हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि डिस्टिलेशन टावर को ट्रेक क्लीनिंग के लिए आपको हैंड ओवर करना है मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, तो आप कैसे करोगे? या आप ये कह लो कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर आपको वेसल एंट्री करानी है, किसी व्यक्ति को अंदर भेजना है ताकि वो ट्रे को क्लीन करे, ट्रे को डिसमेंटल करे और ट्रे सपोज करो चोक है तो उसे डिचोक करे। तो वो डिचोक कैसे करेगा? जब इसके अंदर जाएगा, सारी ट्रे को बाहर निकालेगा, फिर उसको क्लीन करेगा, फिर उसमें फिर से असेंबल करेगा, तभी तो क्लीनिंग होगी। तो आप सपोज करो कि टावर के ट्रे की क्लीनिंग करनी है, जिससे पर्सन अंदर जाएगा और ट्रे को बाहर निकालेगा, तो एक तरह से वेसल एंट्री हो गई। तो कैसे हम किसी पर्सन को इसमें भेजेंगे? टावर को उससे पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। अगर टावर को आइसोलेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी जो अंदर जाएगा व्यक्ति। तो उसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि किसी भी डिस्टिलेशन टावर को कैसे हम ट्रे क्लीनिंग के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्या वो तरीके होते हैं। दोस्तों, इस पर मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना रखा हूँ, एक डिस्टिलेशन टावर को कैसे स्टार्ट करते हैं और डिस्टिलेशन टावर को कैसे स्टॉप करते हैं। तो दोनों वीडियो आप बना लेना, सॉरी जो है वो देख लेना, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओगे कि डिस्टिलेशन टावर को कैसे आप हैंडओवर करते हैं वेसल एंट्री के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा है काम वो है कि टावर का आइसोलेशन करना, यानी कि टावर को स्टॉप करना। तो डिस्टिलेशन टावर को कैसे स्टॉप करते हैं, इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। उसके बाद आता है लिक्विड ड्रेनिंग। यहाँ पे दोस्तों स्टॉप तक कर दिए, टावर को जैसे बंद करना है, आइसोलेशन करना है, वो तो कर दिए। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो लिक्विड अभी भरा है तो उसकी ड्रेनिंग करनी है। तो ड्रेनिंग कहाँ से करेंगे दोस्तों? ये बी वाला जो है वाल जो है हाई बॉयलर ड्रेनिंग के लिए, ये वाल खोल देंगे, यहाँ से पूरा का पूरा लिक्विड इसमें से जो है वो पूरा ड्रेन हो जाएगा, खाली हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टावर डिप्रेसराइजेशन। लिक्विड तो ड्रेन हो गया, लेकिन ये इसमें अभी प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, तो वेपर को भी रिलीज करना है। तो वेपर प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाल तो अपना खुला रहेगा, यहाँ से ये जो है वेंट लाइन है जो रिकवरी लाइन को देते हैं, यहाँ से ये रिकवरी लाइन कहलाती है। रिकवरी लाइन का मतलब कि यहाँ से जितना भी वीसी होगी, विनाइल क्लोराइड, वो क्या होगी, रिकवर हो जाएगी। तो वीसी और टोलुइन कुछ भी हो, वो रिकवरी लाइन में ये जैसे ही वाल खोलेंगे पूरा का पूरा वो रिकवर हो जाएगी, दूसरे टैंक में चली जाएगी। तो उस तरह से हमारा टावर क्या हुआ, डिप्रेशराइज हो गया। पहले लिक्विड ड्रेन कर लिए, उसके बाद जो वेपर इसमें प्रेशर बना रहे थे उसे यहाँ से रिकवरी लाइन से डिप्रेशराइज कर दिया। और वो कैसे शो करेंगे कि हाँ टावर डिप्रेशराइज हो गया, उसके लिए यहाँ पे हमारा प्रेशर गेज है वो 0 kg शो कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, टावर पॉजिटिव आइसोलेशन ब्लाइंड लगाएंगे, रेटेड और नॉन रेटेड। तो ब्लाइंड अब हम क्या करेंगे, टावर को पॉजिटिव आइसोलेट करेंगे। तो उसके लिए टावर से जितनी भी चीज चिपकी हुई है उसको अलग रखना है, टावर ही बस हमें रखना है, बाकी को हटा देना है। तो ये हमारा टावर है, टावर से हमारा क्या लगा, ये लाइन लगी है, तो यहाँ पे आप ब्लाइंड लगा दो, यहाँ ब्लाइंड लगा दो, ये फीड लाइन जुड़ी है तो यहाँ पे ब्लाइंड लगा दो, अलग कर दो, लाइन को अलग कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। उसके बाद ये लगी है तो यहाँ पे ब्लाइंड लगा दो, इसको अलग कर दो। इसके बाद रिफ्लक्स लाइन पे ये है तो यहाँ ब्लाइंड लगा दो, यहाँ ब्लाइंड लगा दो। ब्लाइंड रेटेड ब्लाइंड होंगी जो लोहे की होती है, पॉजिटिव ब्लाइंड जिसे कहते हैं, जो कम से कम 6 kg 7 kg प्रेशर झेल जाए। यहाँ ब्लाइंड लगा दिया, यहाँ ब्लाइंड लगा दिया, यहाँ ब्लाइंड लगा दिया, उसके बाद यहाँ भी ब्लाइंड लगा दो आप। तो टावर अब क्या हो गया, पूरा एकदम सेपरेट हो गया, इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा, ना फीड लाइन, ना रिबोइलर की, ना ये कुछ भी नहीं जुड़ा, एकदम ये क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट रिमूवल। इस टावर में जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये बॉटम टेम्परेचर शो कर रहा है, ये मिडिल टेम्परेचर शो कर रहा है, ये टॉप टेम्परेचर, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें क्या करो आप, रिमूवल कर दो, हटा दो। उसके बाद टॉप मेन होल ओपन, ये हमारा टॉप मेन होल है, अब इसको क्या करो आप खोलो, क्योंकि टावर में प्रेशर नहीं है, तो आप मेन होल को आराम से खोलो, ज़्यादा कुछ ज़्यादा पीट पाट के नहीं, आराम से खोल लो। उसके बाद
स्टार्ट स्टीम पर्जिंग, उसके बाद इसकी पर्जिंग स्टार्ट कर दो किससे, विद द हेल्प ऑफ स्टीम। स्टीम स्टीम की पर्जिंग देने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक स्टीम स्टीम की जो है होज लेंगे और यहाँ से हम इसमें करा देंगे। इसमें क्या कराएंगे दोस्तों, या तो बॉटम से दे दो या कहीं से भी दे दो, इसमें टैपिंग लगी होती है। यहाँ पे अगर हम माने यहाँ पे एक टैपिंग है 1 इंच की, तो यहाँ पे आप स्टीम की हॉज यहाँ पे लगा दो, तो स्टीम क्या करेगी, इसमें फीड होगी और पूरा का पूरा स्टीम यहाँ से भरेगी और यहाँ से मेन होल से स्टीम क्या होगी, आउट होगी। तो उस तरह से क्या होगा कि इसमें जितनी वीसी हुई टोलविन हुई उसको हीटअप करके अपने साथ कैरियर का काम करके मेन होल से बाहर आ जाएगी एटमोसफेयर में। एटमोसफेयर में सारी टोलविन या वीसी जो भी अगर बची हुई है, बची खुची है, वो तुरंत बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें जितनी भी वीसी है या टोलुइन है वो क्या हो गई दोस्तों, रिमूव हो गए। वो क्यों टोलुइन या वीसी क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हम अंदर जो है व्यक्ति को भेजना है, व्यक्ति भेजेगा अंदर जाएगा तो आप जानते हो वीसी विनाइल क्लोराइड जो है कैंसर एजेंट है, जैसे जितना वो इनहेल करेगा कैंसर का कारण बनेगी। टोलुइन ऐसी है कि थोड़ा सा स्पार्क जनरेट हुआ तुरंत ब्लास्ट कर देगी, फायर का चांस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टीम से दोनों को एकदम पूरी तरह से खाली कर देंगे। उसके बाद टावर कूलिंग, अब टावर की डिस्टिलेशन टावर की कूलिंग स्टार्ट करेंगे। कैसे दोस्तों कूलिंग स्टार्ट करेंगे, पहले हम यहाँ पे दे रहे थे स्टीम, स्टीम से जब पर्ज आउट कर दिया उसके बाद उसी जगह से हम एयर की सप्लाई देंगे, प्रोसेस एयर की। तो प्रोसेस एयर जब इसमें जाएगी तो जानते हो कि पहले स्टीम भेजेंगे तो टावर का टेम्परेचर 200 या 250 टेम्परेचर हो गया, अब उसमें तो व्यक्ति को हला नहीं सकते, घुसा नहीं सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। ठंडा कैसे करेंगे, एयर से, विद द हेल्प ऑफ एयर। प्रोसेस एयर इसमें देंगे तो ये पूरा इधर से भरेगी और इसी में होल से बाहर निकलेगी और पूरी के पूरे ट्रे को क्या करेगी, ठंडा कर देगी। पूरा टावर अब हमारा क्या हो गया दोस्तों, ठंडा हो गया, उसमें व्यक्ति सर्वाइव कर जाएगा। टावर की कूलिंग हो गई। उसके बाद एलियल चेक, लो एक्सप्लोजिव लिमिट को चेक करेंगे। एलियल क्या होता है, यूलियल क्या होता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, तो वो हम चेक करेंगे कि हाँ इसमें उसमें हम देखेंगे कि वीसी कितनी है, विनाइल क्लोराइड कितनी है। तो जब चेक करेंगे पैरामीटर, तो अगर विनाइल क्लोराइड नील है यानी जीरो है, और टोलविन भी चेक करेंगे तो टोलविन भी हमारी जीरो होनी चाहिए, विनाइल क्लोराइड भी जीरो होनी चाहिए, 0 PPM होनी चाहिए, टोलविन भी हमारी 0 PPM होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% होनी चाहिए और इसका टेम्परेचर जो होगा एटमोसफेयर टेम्परेचर यानी 25 डिग्री या 30 डिग्री जो भी होगा एटमोसफेयर टेम्परेचर वो होना चाहिए। अगर एलियल चेक कर लिया, अगर ओके है तो हम कह देंगे भाई तू जा अंदर, जा ट्रे को डिसमेंटल कर दे। तो वो अंदर व्यक्ति जाएगा, ट्रे को डिसमेंटल करेगा। ट्रे को डिसमेंटल करने के बाद ट्रे की क्लीनिंग होगी और क्लीनिंग होने के बाद फिर ट्रे असेंबल होगी यानी कि फिर से लगेगी। उसके बाद जब लग जाएगी इसमें फिट हो जाएगी, उसके बाद मेन होल जो है टॉप का ये बॉक्स ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो ब्लाइंड रिमूवल हमने किया था, जो ब्लाइंड लगाया था यहाँ पे, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्लाइंड को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और लाइन हुकअप, ब्लाइंड को हटा के वहाँ पे लाइन को हुकअप कर देंगे। फिर इसका प्रेशर टेस्ट ले लेंगे, पूरे लूप का प्रेशर टेस्ट ले लेंगे अगर कहीं लीकेज नहीं है। प्रेशर टेस्ट दोस्तों कई जगह तो जो है एयर से ही होता है, एयर से ही न्यूमेटिक प्रेशर टेस्ट होता है, बाकी कहीं कहीं हाइड्रो टेस्ट भी होता है। तो विनाइल क्लोराइड और टोलुइन को अगर सेपरेट करने का जो डिस्टिलेशन टावर है उसमें जो प्रेशर टेस्ट होता है वो दोस्तों होता है न्यूमेटिक टेस्ट, एयर से इसको प्रेशराइज करके उसका टेस्ट ले लेते हैं। तो जब देखते हैं कि कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है, पहले इसमें 6 kg का प्रेशर देंगे, उसके बाद इसके जहाँ जहाँ ज्वाइंट हैं या लाइन जहाँ जहाँ हमने डिसमेंटल किया और उसे फिर से लगाया तो सारी हम चेक करेंगे कहीं से लीकेज तो नहीं है। उसके बाद जब लीकेज चेक नहीं है और चेक कर लेंगे नहीं है, तो उसके बाद हम टावर को क्या कर लेंगे दोस्तों, लाइन में ले लेंगे। टावर को लाइन में कैसे लेते हैं, उसके लिए मैंने हाउ टू स्टार्ट और डिस्टिलेशन टावर पे वीडियो बना रखी है। तो आई होप आपको टावर क्लीनिंग के लिए अगर हैंड ओवर करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।